आज का जो मेन टॉपिक है ये इवेंट्स के बारे में है। किसी को पता है इवेंट्स क्या होता है? कोई भी? देखो, जनरल टर्म में अगर इवेंट देखोगे तो जनरल टर्म में अगर कहीं कोई फंक्शंस हो रहा है, कोई एक्टिविटी हो रहा है, ओके, तो हम लोग उसको क्या बोलते हो? इवेंट है। ओके, तो सिंपल टर्म में अगर हम लोग का कोई पेज है, मान लो, ओके, एग्जाम्पल, लास्ट टाइम हम लोग कौन सा प्रोग्राम किए थे? ड्राइवर एलिजिबिलिटी चेकर, इसको ओपन करता हूँ मैं। पहले समझो इवेंट क्या होता है, तो फिर आपको ये अच्छे से समझ में आएगा फिर, ठीक है? तो यहाँ पे ये जो ड्राइवर एलिजिबिलिटी चेक था, यहाँ पे देखो इवेंट क्या क्या है। आप कर्सर इसके ऊपर लेके गए, ये भी एक आपका इवेंट है। आपने यहाँ पे क्लिक किया, ये आपका इवेंट है। आप टाइप कर रहे हो, ये आपका इवेंट है। मतलब कुछ भी काम हो रहा है, कीबोर्ड और माउस से, या पेज रिफ्रेश हो रहा है, कुछ भी काम हो रहा है, आपने यहाँ पे क्लिक किया, ये आपका इवेंट है। आप माउस इस पे लेके जा रहे हो, माउस बाहर लेके आ रहे हो, कुछ भी एक्टिविटी कर रहे हो माउस के साथ या कीबोर्ड के साथ या पेज रिफ्रेश कर रहे हो, कोई भी एक्टिविटी हो रहा है वो आपका यहाँ पे एक इवेंट है, ठीक है? अब होता क्या है कि मान लो इवेंट है तो उसका जरूरत क्या है? जरूरत ये है कि जब जब आप कोई भी एक्टिविटी करोगे उस टाइम पे, जैसे मान लो यहाँ पे क्या था, मैं पेज रिफ्रेश करता हूँ, मैंने इसको क्लिक किया, मेरा आउटपुट आ गया। मतलब यहाँ पे मैंने कौन सा इवेंट किया? मैंने क्लिक इवेंट किया। तो आपको ऐसे किस इवेंट पे क्या चाहिए वो डिसाइड करता है इवेंट। मतलब आपको माउस इंटर किया तो कोई मैसेज आना चाहिए, माउस बाहर क्लिक किया तो ये मैसेज आना चाहिए, एग्जाम्पल। तो उसके उस टाइम पे एक्शन पे आपको कोई एक्टिविटी या कोई काम कराना है, तो उस टाइम हेल्प कौन करता है? ट्रिगर, सॉरी, इवेंट। तो इस मीन्स अगर आप एक कोड देखोगे, आपने फंक्शन बना के तो रख दिया है, फंक्शंस बना के रख दिया है, बट फंक्शन कॉल कब हुआ था? आपने जब इस पर क्लिक किया, तो क्लिक क्या था आपका? एक इवेंट था। क्लिक क्या था? ये आपका इवेंट था। उसी टर्म में अगर मैं देखो यहाँ पे ये जो चेक एलिजिबिलिटी है, ठीक है, मैं अगर ये बटन पे ना रख के, ध्यान देना, अगर मैं बटन पे ना रख के मैं इस पे बोल दूँ इनपुट पे, जैसे ही ऑन की अप, की अप मतलब बटन दब के ऊपर हुआ, उस टाइम ही फंक्शन कॉल हो, तब देखो उस टाइम क्या होगा, जब मैं टाइप करूंगा ना उसी टाइम मेरा रिजल्ट आ जाएगा, ध्यान देना, देख रहे हो? तो मतलब क्या हो रहा है, आप जब टाइप कर रहे हो उस टाइम वो फंक्शन कॉल हो रहा है, जहां पे उसको करेक्ट वैल्यू मिल जाए आपको आपको आंसर देगा, देख रहे हो? मतलब एक कब कॉल हुआ? ऑन की अप पे कॉल हुआ। एक कब कॉल हुआ था? ऑन क्लिक पे कॉल हुआ था। तो ऐसे अगर देखने जाओगे ना, तो अपने पास बहुत सारे इवेंट है, ऑन अबाउट है, ब्लर है, क्लिक है, चेंज है, बहुत सारे इवेंट है। आपको बस इसका मीनिंग समझ में आना चाहिए कि इवेंट क्या होता है, आप उस टाइम लगा सकते हो, ठीक है? तो सिंपल, हम लोग आज एक सिंपल सा प्रोग्राम करेंगे। जैसे मान लो हम लोग एक टेक्स्ट बॉक्स लेंगे, ठीक है, और टेक्स्ट बॉक्स के अंदर अगर मैंने क्लिक किया, एक काम करते हैं, पहले सिंपल कोई प्रोग्राम बना के बताता हूँ मैं। तो ये मालूम पड़ा इवेंट क्या है? इवेंट मतलब आप पेज पे कोई भी एक्टिविटी करोगे उसको ट्रैक करने के लिए, अब वो इवेंट फायर करोगे, उस इवेंट के बेस पे जो फंक्शन कॉल करोगे या जो भी काम करवाओगे वो काम करेगा वहाँ पे। तो काम करो, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, पहले इवेंट आपको दिखाता हूँ कैसे काम कर रहा है। event.html, पेज का नाम मेरा क्या है? events.html। यहाँ पे इवेंट कहाँ पे है? इवेंट इवेंट यहाँ पे है, ठीक है, अभी पेज पे कुछ है नहीं। तो चलो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अब देखो इवेंट ये जरूरी नहीं है कि टेक्स्ट बॉक्स के साथ ही होगा या बटन के साथ होगा, इवेंट के लिए आप कुछ भी ले सकते हो। मैंने H1 ले लिया, ठीक है, H1 बोलिया लाइक दिस इज अ एग्जाम्पल ऑफ इवेंट्स, मैंने एक इवेंट्स बनाया, ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे ही माउस इसके ऊपर आए, ऑन माउस ओवर, ऑन माउस ओवर, देखो ऐसे माउस अप है, माउस ओवर है, माउस आउट है, माउस बाहर जाएगा तब, अभी मैं माउस ओवर कर रहा हूँ, जैसे ही माउस ओवर होगा मेरा एक फंक्शन कॉल होगा, मैं एक फंक्शन बनाता हूँ स्क्रिप्ट टैग के अंदर, ओके, स्क्रिप्ट टैग लिया, मैं एक फंक्शंस बनाता हूँ करके, ईवीटी करके नाम कुछ भी दूँ चलेगा। ध्यान देना, जब मैं इसको फंक्शन कॉल करूँगा यहाँ से,
तो मैं यहां से कुछ पास कर रहा हूं, मैं पास कर दिया माउस ओवरहेड, ध्यान दो माउस ओवरहेड। ये जो ब्रैकेट का वैल्यू है, मैं यहाँ पे कोई वेरिएबल बना लूंगा, मान लो मैंने ले लिया मैसेज, ये वैल्यू आपका आ जाएगा मैसेज के अंदर। ये मैं कहाँ दिखाऊंगा, इसके नीचे मैं एक और H1 ले रहा हूँ या H2 ले रहा हूँ, इसमें आईडी दे देता हूँ इसका मैं मान लो M करके, और यहाँ पे बोलूँगा क्या डॉक्यूमेंट डॉट गेट गेट एलिमेंट बाई आई डी M M को गेट करे डॉट इनर टेक्स्ट। इनर टेक्स्ट में क्या डाल दिया मैंने, मैसेज डाल दिया, मतलब जो यहाँ से इसके पास जाएगा वो यहाँ पे आ जाएगा। तो मतलब कैसा होगा, जैसे मैं माउस इसके ऊपर गया, देखो आ गया, ठीक है। अब ध्यान दो, मैं यहाँ पे क्या किया, मैंने एक इवेंट बनाया, ठीक है। अब मैं यहाँ बोल रहा हूँ कि ऑन माउस आउट, अगर मैं माउस आउट करता हूँ उस समय भी मेरा ये फंक्शन कॉल होगा, लेकिन उस टाइम मैसेज मेरा चेंज होगा, माउस आउट हुआ मान लो, ठीक है। नाउ अब यहाँ पेज रिफ्रेश करोगे, जिससे देखो देखो मैं माउस लेके जा रहा हूँ, माउस ओवर, माउस गया आउट, देख रहे हो, अभी मैं कुछ क्लिक नहीं कर रहा हूँ। तो आपके ऊपर है आप वो इवेंट कब यूज करोगे। तो यहाँ पे ये दो इवेंट है, ऐसे बहुत सारे अपने पास इवेंट है। मैं अगर मान लो यही बोल दिया ऑन क्लिक पे इवेंट, फंक्शन कॉल किया या मैसेज पास किया, क्लिक हुआ एग्जांपल, ठीक है। अब इसको रिफ्रेश करो, यहाँ पे किया आउट किया, अगर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो क्लिक हो रहा है, बाहर किया आउट हुआ, तो वो तीनों काम कर रहा है अभी, समझ रहे हो। मतलब जो भी आप इवेंट पास करोगे उस टाइम जो फंक्शन कॉल होगा, जैसे ही उसको इवेंट मिलेगा वो फंक्शन को कॉल कर देगा। ये क्या था ऑन माउस ओवर, मतलब जैसे माउस इसके ऊपर आएगा हेडिंग के ऊपर वैसे ही फंक्शन कॉल होगा। ऑन माउस आउट, जैसे माउस बाहर जाएगा वैसे ही फंक्शन कॉल होगा। ऑन क्लिक, तब ये कॉल होगा। ऐसे होता है ऑन डबल क्लिक, ऑन डबल क्लिक, ऐसे मतलब आप डबल क्लिक करोगे तब ये कॉल होगा। जैसे मान लो मैं पास कर दिया डबल क्लिक, डबल क्लिक फाउंड, ओके। नाउ यहां पे देखो, मैं सिंगल क्लिक किया तो यार अब डबल क्लिक कर रहा हूं, अब देखो डबल क्लिक किया तो ये देखो डबल क्लिक आया, ठीक है। इट मीन्स जो भी आप इवेंट लगाओगे उस इवेंट पे जो भी उसको मिलेगा उस टाइम वो फंक्शन कॉल करेगा। ये था आपका सिंपल। जैसे इसमें नॉर्मल हेडिंग के लिए है, अगर मैं यहाँ पे सपोज आपका ड्यू ले लेता, ठीक है। अब देखो इसको मैं ड्यू बना दिया, तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि एचटीएमएल का कोई भी टैग हो, चाहे वो ड्यू हो, चाहे वो H1 हो, चाहे पैराग्राफ हो, या कोई टेक्स्ट बॉक्स ले लो, ओके, इनपुट टाइप टेक्स्ट। अब मैं इसको टेक्स्ट बॉक्स बना दिया, ठीक है, यहाँ पे कमेंट करता हूँ, अब मैं इसको टेक्स्ट बॉक्स बना दिया। अब मैं इस पर माउस करके जाऊँ तभी वही काम होगा। देखो क्लिक किया, डबल क्लिक किया, ये काम हो रहा है। मतलब ये इवेंट जो भी है आप किस पे भी लगा सकते हो, ठीक है। चलो एक और एग्जांपल दिखाता हूँ। अगर मान लो मैं इसके अंदर, हाँ ये था आपका माउस का इवेंट। तो ऐसे माउस का और भी इवेंट होता है, अब बाद में ट्राई करके चेक कर लो यहाँ पे क्या क्या लिस्ट में है। ऑन माउस का ही टाइप करोगे तो माउस के जितने सारे सब आ गया। देखो माउस का व्हील स्क्रॉल करोगे तो भी होगा, माउस अप हो गया, माउस आप ऊपर ले जाके खड़ी देर घुमा रहे हो तो भी होगा, माउस लीव है, माउस इंटर किया, तो ऐसे सब अलग अलग है। अब मैं जा रहा हूँ कीबोर्ड पे, ऑन की प्रेस, जैसे कोई प्रेस करेगा मैं उसको क्या बोल दूंगा, मैं ऑनलाइन हूँ। एग्जाम्पल लो, मैं ऑनलाइन, सॉरी ऐसे नहीं होगा, इसके अंदर आएगा, मतलब मैं क्या करूँगा फंक्शन कॉल करूँगा, ठीक है, मैं ऑनलाइन हूँ। देखो जैसे नॉर्मल कैसे हो, क्या होता है पता है, व्हाट्सएप में आप जैसे ही ओपन करके टाइप करने जाओगे या ओपन करोगे तो ऑनलाइन आएगा, ओके। मैं आप टाइप कर रहा हूँ, देखो ऑनलाइन आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, मेरा की वैसे प्रेस हुआ यहाँ पे, ये आपका चेंज हुआ यहाँ पे, मैं ऑनलाइन हूँ, ठीक है। तो
तो यहां पे समझो जैसे ऑन की प्रेस हुआ, जैसे आपके माउस का था ऐसे की का है। ओके, अब यहां पे ऑन ब्लर करके होता है। ओके, ऑन ब्लर है। ऑन ब्लर मतलब जैसे आप कीबोर्ड से एक काम करो, मैं सर एक ही मिक्स कर रहा हूं, एक और लेता हूं टेक्स्ट बॉक्स में, इनपुट टाइप टेक्स्ट, ठीक है, इनपुट टाइप टेक्स्ट। यहाँ पे मैं यही फंक्शन कॉल करूंगा क्योंकि ये सिंपल है, ये फंक्शंस बनाया मैंने एंड यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ ऑन फोकस। देखो ऑन फोकस क्या करेगा, मैसेज बाद में पास करना क्या रहेगा, ऑन ब्लर, ये आपका है ब्लर, ध्यान देना ब्लर कब काम करेगा, फोकस कब काम करेगा। ये आपका दो टेक्स्ट बॉक्स है, जैसे ही आप इसके अंदर क्लिक करोगे उस टाइम कॉल होता है फोकस, जैसे ही इसके बाहर क्लिक करोगे इस टाइम कॉल होता है ब्लर। ठीक है, तो ब्लर क्या इंडिकेट करता है, इंडिकेट ये करता है कि आप टेक्स्ट बॉक्स से बाहर जा रहे हो। फोकस क्या इंडिकेट करता है, फोकस ये इंडिकेट करता है आप टेक्स्ट बॉक्स के अंदर आ रहे हो। ठीक है, अब उस टाइम आपको जो भी काम कराना हो करवाओ, उससे मतलब नहीं है, बट इसका मीनिंग समझो कि ऑन फोकस कर, अगर ऑन फोकस लिख रहे हो उस टाइम जो फंक्शन कॉल करोगे वो जैसे ही इंटर करोगे वो कॉल कर देगा, और जैसे ऑन ब्लर डालोगे तो वो बाहर पे आएगा। मतलब अगर मैं यहाँ डाल दिया, जैसे मैं अंदर जा रहा हूँ तो मुझे क्या जो देगा ऑनलाइन, ओके, जैसे मैं बाहर जाऊँगा मैसेज क्या आएगा ऑफलाइन। तो यहाँ पे बोल सकते हो अरे मैं ऑनलाइन हूँ, अब मैं ऑफलाइन हो गया, अभी मैं ऑनलाइन हूँ, अभी मैं ऑफलाइन हो गया। अगर मैं मान लो कुछ चेंज कर रहा हूँ ऑन ऑन की अप, ऑन की अप प्रेस ले लो, अप ले लो, अब मैं मैसेज क्या दूंगा, अब मैं मैसेज डाल दूंगा कि मैं टाइपिंग कर रहा हूं। ध्यान दो, अभी जैसे मैं यहां पे गया ऑनलाइन हुआ, बाहर किया ऑफलाइन हुआ, यहां पे गया अब मैं टाइप किया, अब मैं आ गया टाइपिंग आ गया, जैसे बाहर गया मैं ऑफलाइन आ गया। तो व्हाट्सएप पे भी जो फीचर आप देखते हो ना कि आप टाइप कर रहे हो तो सामने वाला टाइपिंग दिखता है, ओके, आप ओपन करो तो ऑनलाइन दिखता है, तो वो उसके पीछे रीजन क्या है, उसके पीछे इवेंट फायर होता है, उसके पीछे कुछ भी एक्टिविटी करो तो उस टाइप का इवेंट फायर होगा, वो फंक्शन कॉल करके वो आपको सामने वाले को मैसेज अपडेट करता है अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे जनरली जो आज का सेशन है खाली एक समझना है कि इवेंट का मतलब क्या है। इवेंट का मतलब वही है, अपने पास बहुत सारे इवेंट बना के रखा हुआ है, कीबोर्ड के लिए अलग, माउस के लिए अलग, उस टाइम जो भी उसको ट्रिगर होगा, जो भी आप लगाए रहोगे वो आपका कॉल हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है कि इवेंट कुछ भी डाउट है इवेंट में? कोई ठीक है, चलो देखो अभी एक काम करता हूं मैं एक छोटा सा गेम बनाऊंगा, वो गेम में कैसा रहेगा यहाँ पे आता हूँ मैं, तो उसमें आपका क्लिक इवेंट भी आपका यूज हो जाएगा तो अच्छा लगेगा। वो मिनी गेम डॉट एच टी एम एल, ठीक है, यहाँ पे आया। देखो गेम कैसा रहेगा ये सिंपल सा आपको दिखा दूँ। पहले हम लोग क्या करेंगे, बहुत और जल्दी बनेगा ना, टाइम जाएगा नहीं। हम लोग क्या करेंगे, ऐसे मल्टीपल बटन लेंगे, ठीक है, मल्टीपल बटन होगा, मान लो आपका बटन्स हो गया, इतना बटन हो गया, सब पे कुछ नंबर रखेंगे, इस पे कुछ नंबर आएगा, इस पे कुछ नंबर आएगा, इस पे कुछ नंबर आएगा, यहाँ पे कुछ नंबर आएगा, ओके, जिस पे भी हम लोग क्लिक करेंगे जो भी उस पर उस टाइम नंबर रहेगा, हम लोग यहाँ पे एक स्कोर दिखाएंगे यहाँ पे कि क्या इसका स्कोर है, यहाँ पे एक स्कोर दिखाएंगे। खाली हल्का सा माइंड में लेके चलो फिर दिखाता हूँ मैं आपको। तो यहाँ पे मान लो मैं एक ले लिया ड्यू, ओके, ये हो गया आपका ड्यू, क्लास ले लिया कंटेनर। देखो छोटा मोटा जो प्रोजेक्ट बनाओगे ना उससे आपका जो कोडिंग का कंटेनर, हाँ कोडिंग का जो बेसिक है ना वो सब क्लियर क्लियर होता है फिर। ठीक है, तो इसके अंदर मैं रखने वाला हूँ बटन्स, मान लो मेरा क्लास बटन एरिया करके है, ओके, इसके अंदर मेरा आ गया,
बटन, तो बटन ही ले लो चलेगा, मेरा बटन है, बटन यहाँ पे मैं दे दिया आईडी इक्वल टू बटन वन है ये, ठीक है। अभी नंबर में यहाँ पे जीरो पास किया हूँ, कुछ पास नहीं किया हूँ। यहाँ पे बटन टू, बटन थ्री, बटन फोर, बटन फाइव, बटन सिक्स, बटन सेवन, बटन एट, बटन नाइन, एटलीस्ट नौ ले लेता हूँ। आपका टू है, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन। तो फिलहाल अगर इसको मैं ओपन करता हूँ, गेम 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 कहाँ गया, मिनी गेम इधर है। तो अभी आपका ये आ रहा है, तो थोड़ा सा डिजाइन करते हैं इसके ऊपर। ये आपका बटन क्लास बटन करके ये है, तो यहाँ पे ले लिया मैंने स्टाइल बटन, ओके। विड्थ ले लिया मान लो 100 पिक्सल्स एंड हाइट ले लिया 100 पिक्सल्स। ठीक है, ये बटन आ गया। तो हम लोग सिंपली इसके ऊपर एक ले लेते हैं H1, जिसमें मेरा क्या रहेगा, स्कोर रहेगा, ओके। इसके अंदर मैं ले लिया कि स्पैन, ये मैं इसमें स्कोर दिखाऊंगा, सिंपल से कुछ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं जो क्लिक करूँगा वो यहाँ पे स्कोर आएगा। अब ध्यान दो, इतना पार्ट हो गया। अब मैं फंक्शनलिटी जा रहा हूँ, फंक्शनलिटी क्लिक में क्या करूँगा, यहाँ पे क्या करूँगा, एक स्क्रिप्ट ऐड करूँगा। स्क्रिप्ट ऐड किया, स्क्रिप्ट में मुझे इस पर जो है, इस पर जैसे ही पेज लोड होगा इस पर अपने आप नंबर आने चाहिए अपने आप। तो पहले काम करो, नंबर लाने के लिए मैं क्या करूँगा, एक वेरिएबल बनाऊँगा, ओके। वेरिएबल ले लिया मैंने नंबर करके, और इसको एरे बना दूंगा। ध्यान दो, एरे कितना नंबर है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इसमें रैंडम मैं कुछ 9 वैल्यू ले लेता हूँ, इसको 30 कर लो, 40 हो गया, 40 ले गया, 60 हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। तो पहला पहले भी देना है, दूसरा दूसरे भी देना है, तीसरा तीसरे पास करना है, चौथा चौथे पास करना है। जैसे बाकी आपका लैंग्वेज में एरे ऐसे होता है, इसमें भी एरे ऐसे ही काम करेगा। इसका स्टार्टिंग फॉर्म जीरो से होगा, ओके। अब मैं यहाँ पर बोलूँगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आई डी, और यहाँ पर आएगा बटन वन डॉट इनर टेक्स्ट इज इक्वल टू नंबर जीरो, ऐसे, ठीक है। इसको रिफ्रेश करो, आपको ये नीचे डालना पड़ेगा क्योंकि बटन इधर है, इसको मिलता नहीं है, इसको नीचे डालो तब मिलेगा इसको, क्योंकि पहले बटन पहले बनेगा उसके बाद इसको मिलता है, ऐसे होता है। तो देखो यहाँ पे क्या आ गया, 50 आ गया। इसका टेक्स्ट पर बड़ा करो तो फॉन्ट साइज दे दिया मैंने 15 पिक्सल, चलो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, अच्छा लगेगा। और बड़ा कर लो 25 पिक्सल, ठीक है, नंबर आ गया। अब जानो, अब देख लो, वन से आपका यहाँ पे सेट हो गया। आपको खाली करना क्या है, यहाँ पे फॉर लूप चला दो, ठीक है। तो फॉर लूप में कैसे होगा, वेरिएबल आई इक्वल टू जीरो या आई इक्वल टू वन करो, आई लेस देन इक्वल टू 9 एन आई प्लस प्लस। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे ध्यान देना, ये जो 1 है ये 1 हटा के मैं आगे प्लस ए डाल दूंगा, प्लस आई। मतलब क्या होगा, पहली बार ये 1 देगा तो बटन 1 बन जाएगा, दूसरी बार 2 देगा तो बटन 2 बन जाएगा, तीसरी बार 3 देगा तो बटन 3 बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे जब यहाँ पे 1 चाहिए तो यहाँ पे 0 चाहिए, जब यहाँ पे 1 चाहिए तब यहाँ पे 0 चाहिए, तो मैं क्या बोलूँगा इसको, आई माइनस 1। मतलब जब ये 1 रहेगा तो इसको 0 मिलेगा, जब ये 2 रहेगा तो इसको 1 मिलेगा, जब ये 3 रहेगा तो इसको 2 मिलेगा। नाउ आप यहाँ पे जाके रिफ्रेश करोगे, देखो आपको सारी वैल्यू आ गई जो यहाँ पे है, ओके। अगर आप चेक करोगे जो भी आपका वैल्यू है यहाँ पे, वो वैल्यू आपको यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। तो 40-50 जो भी 50-40-20-30 था, ये नंबर आपको दिख रहा है यहाँ पे। अभी देखो आपका नंबर दिख गया, आपको करना क्या है, जिस पे आप क्लिक करो वो स्कोर यहाँ पे आनी चाहिए, जिस पे आप क्लिक करो वो स्कोर यहाँ पे आनी चाहिए।
तो देखो नंबर सेट करना कितना इजी था, सिंपल आपने एक वेरिएबल बनाया, नंबर सेट किया, अब आप अपने फॉर लूप पे पास कर दिया। अब देखो जैसे आप क्या बोल रहे हो, जैसे मैं क्लिक करूं इसमें जाना चाहिए, मतलब आपको एक क्लिक का इवेंट चाहिए, क्लिक का इवेंट चाहिए, आपको एक क्लिक इवेंट फायर करना है यहाँ पे, ठीक है। तो आप सिंपल क्या करोगे, यहाँ पे ऑन क्लिक बोलोगे, ऑन क्लिक सेट एड स्कोर। तो एक पर कौन सा बटन है, पहला बटन है मतलब जीरो नंबर। तो मैं यहां पे क्या पास कर दिया, जीरो पास करो, नहीं रुको अभी इसको देखते क्या करते हैं, इसका आईडी नाम क्या है, बटन वन। तो मैं यहां पे क्या पास कर दूंगा, बटन वन मतलब इसको क्लिक किया, ये जो एड स्कोर है फंक्शन है, मैं एक फंक्शन बनाऊंगा यहां पे, फंक्शन एड स्कोर, इसके अंदर आ गया नेम, नेम और ऐसे करूंगा। ध्यान देना मैं क्या कर रहा हूं, जब मैं इसको क्लिक कर रहा हूं तो इसकी आईडी यहां पे पास कर रहा हूं, और इसकी आईडी मुझे कहां मिल जाएगी, यहां पे, मतलब इसके अंदर जो बटन क्लिक होगा उसकी आईडी रहेगी। तो मैं इससे क्या निकाल लूंगा, मैं बोलूंगा कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, जो भी आईडी है उसका मुझे क्या चाहिए, इनर टेक्स्ट चाहिए। चलो चेक करो मिलता है क्या, और टेक्स्ट कहाँ सेट करना है, आपको सेट करना है स्कोर के अंदर, जिसको एक आईडी दे दो, आईडी इज इक्वल टू स्कोर। तो मैं बोलूँगा इसको जो भी आपको इसके अंदर मिल रहा है स्कोर, ये आपका आ जाएगा इसके अंदर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी स्कोर के अंदर, ओके डॉट इनर टेक्स आपका क्या बन जाएगा स्कोर, मतलब जो इसमें से ये जो नाम मिला इसका टेक्स लेके वो स्कोर में पास किया। चेक करो ऐसा होता है क्या। अब जैसे आप इसको क्लिक करिए, अब यहाँ पे क्या आया, 50 आया, इस पर क्लिक पे नहीं आ रहा है, क्यों, आपने 40 वाले में कुछ पास नहीं किया है। तो अभी क्या करोगे, ये मैं पास कर दूंगा सब में, ओके ये मैं पास कर दूंगा सब में, अब खाली आईडी चेंज कर दूंगा, क्या चेंज कर दूंगा, आईडी यहाँ पे। तो उससे क्या होगा, अब जो बटन क्लिक होगा उसकी आईडी लेके जाएगी, और जो आईडी जाएगा उसका टेक्स्ट रीड करेगा वो, और आपका क्या बन जाएगा, वैल्यू मिल जाएगी। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, जो क्लिक कर रहे हो वो नंबर आपको मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। इसके आगे का जो गेम का स्टेप्स रहेगा दिखाऊंगा, इसमें और भी कुछ करेंगे, इसमें क्या करेंगे कि अभी हम लोग जो भी यहाँ पे 50 को क्लिक किया तो 50 आया, 40 को क्लिक किया तो 40 में ऐड होना चाहिए था, 40 में ऐड होना चाहिए, तो ऐड नहीं हुआ। तो आपको स्कोर क्या होना चाहिए, जिस पे आप क्लिक कर रहे हो स्कोर यहाँ पे ऐड होना चाहिए। देखो क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे एक वेरिएबल बनाऊंगा, वेरिएबल स्कोर इक्वल टू जीरो, टोटल स्कोर इक्वल टू जीरो। ध्यान देना जो वैल्यू मुझे इसमें मिल रहा है मैं क्या करूँगा, इसमें ऐड करूँगा, मतलब टोटल स्कोर इक्वल टू टोटल स्कोर प्लस स्कोर, मतलब पहले तो जीरो है तो यहाँ पे क्या होगा, जीरो प्लस जो इसको मिला वो इसमें डालेगा, और वापस यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, टोटल स्कोर, ठीक है। अब यहाँ पे चेक करो 50 आया, अब देखो ये आगे ऐड हो रहा है, मतलब समझ रहे हो क्या हो रहा है यहाँ पे, यहाँ पे ये जो वैल्यू है इसको स्ट्रिंग में मिल रहा है, ये तो यहाँ बता भी रहा है ये स्ट्रिंग है, तो किसी भी नंबर को अगर स्ट्रिंग में ऐड करो तो आगे अपेंड होता है वो। तो मतलब करना क्या पड़ेगा, इसको नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, पार्स इंट इसको नंबर में कन्वर्ट कर दो बस, ठीक है। अब चेक करोगे ये आपका काम करेगा, 50 40 जो भी है ये आपका स्कोर बन रहा है, ठीक है। इसमें छोटा सा और काम कर लेते हैं तो गेम का थोड़ा इंटरेस्टिंग बन जाएगा। ये जो आपका नंबर देख रहे हो ना, ये नंबर ऑटोमेटिक कम होना चाहिए, ये नंबर ऑटोमेटिक कम होना चाहिए, मतलब हम लोग क्या करेंगे, दो नंबर रखते हैं, एक नंबर रखेंगे जो मेन नंबर है, मेन नंबर का यूज कब करेंगे बता रहा हूं मैं, एक नंबर है, नंबर आपका यहां से इसमें सेट हो गया, ठीक है। लेकिन जब आप क्लिक करोगे तो आपको देखो बटन वन मिल रहा है, अब ध्यान दो, अब मैं क्या कर रहा हूं, ये जो बटन वन है साथ में मैं ये भी पास करूंगा, ये जो मेरा है इंडेक्स नंबर जीरो है,
ये जो मेरा है इंडेक्स नंबर वन है, ये मेरा है इंडेक्स नंबर टू, तो मैं अभी इसके साथ दो वैल्यू भेज रहा हूं, अभी इसके साथ मैं दो वैल्यू भेजूंगा, ध्यान दो, दो वैल्यू भेजा, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहां पे मैं कॉमा करूंगा, अब मेरा क्या है इंडेक्स है। अब मैं क्या करूंगा, ये जो नंबर आपको मिल रहा है इसके अंदर स्कोर मिला, ठीक है, ये स्कोर मिला, स्कोर आपका यहां पे ऐड हुआ, ये टोटल स्कोर आपका यहां पे ऐड हो गया, लेकिन इसका यूज अभी नहीं है, जब अगर हम इसको माइनस करेंगे तभी यूज आएगा। काम करो इसको माइनस करो पहले, एक फंक्शंस बनाओ, फंक्शंस डिक्रीज नंबर, डिक्रीज नंबर, देखो क्या करूंगा मैं यहां पे, क्या करूंगा ये जो नंबर्स है, ये नंबर्स हाँ, ये जो नंबर्स है इस नंबर को माइनस माइनस करूंगा, इस नंबर को माइनस माइनस करूंगा और फिर इसको सेट करूंगा, फिर इसको सेट करूंगा, ध्यान देना क्या होगा। बट ये नंबर कॉल कहां से करूंगा, हम लोग कॉल करेंगे, दिखाता हूं आपको यहां पे क्या होगा पहले ना। अभी मैं इधर आया कंसोल में, क्या फंक्शन का नाम है डिक्रीज नंबर, तो मैं बोला डिक्रीज नंबर कॉल किया, देखो सारा नंबर कम हो गया है, देखो ठीक है। बट ये मैं फंक्शन जब कॉल कर रहा हूं तब वो कम हो रहा है, ये ऑटोमेटिक होना चाहिए, ये ऑटोमेटिक होना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए एक ये आता है सेट इंटरवल, क्या होता है सेट इंटरवल, ये क्या करता है, इसके अंदर अगर मैंने इसके अंदर अगर मैंने जो भी कुछ दे दिया, यहां पे टाइम देते हैं ठीक है, मैंने 1000 दिया मतलब 1 सेकेंड हुआ, 1000 मीन्स कितना होगा 1 सेकेंड, और ये फंक्शंस में यहां से कॉल कर दूंगा, तो सेट इंटरवल क्या करता है हर 1 सेकेंड पे इसको कॉल करते रहेगा अपने आप, ये फंक्शन अपने आप चलेगी, ध्यान देना। अब मैं इसको रिफ्रेश किया, देखो ये अपने आप चल रहा है ठीक है। तो अभी आप जिस पे क्लिक करो जो जिसकी वैल्यू रहेगी वो वैल्यू यहां पे ऐड हो रहा है, ऐड हो रहा है देखो ठीक है। बट गेम का लॉजिक कैसा होना चाहिए था, आप जिस पे क्लिक करो उसका ओरिजिनल नंबर उसके पास वापस आ जाए, इस मान लो स्टार्ट कहां से हुआ था ये वाला 20 से, मैं कहीं भी आके क्लिक करूं ये वापस से 20 होना चाहिए था, तब ये गेम नंबर आपका कभी खत्म नहीं होगा। तो एक काम करेंगे हम लोग, जब मैं इसको क्लिक कर रहा हूं ये नंबर सेट तो कर दिया, लेकिन उसके बाद जो इसका ओरिजिनल नंबर देखो इसके पास है मेन नंबर, तो मैं बोलूंगा इसको जो नंबर है आपका कहाँ गया कहाँ गया, हाँ ये जो नंबर है आपका इंडेक्स नंबर, नंबर जो इंडेक्स है इसके अंदर जो मेन नंबर है उसका वैल्यू आ जाए ऐसे। मतलब अगर मान लो मैं 0 वाले बटन पे क्लिक किया, 0 वाले बटन पे क्लिक किया, तो यहाँ पे क्या होगा इसके 0 में से इसके 0 में ट्रांसफर होगा, क्योंकि ये तो माइनस हो रहा है ठीक है, तो इसके 0 में से इसमें ट्रांसफर होगा। अब चेक करो यहाँ पे, देखो जैसे मैं इस पर क्लिक किया, देखो ये 48 था ना, ये 50 होकर माइनस हुआ, देखो 49 हो गया, देखो ये देखो आपको वापिस 20 हुआ, ऐसे हो रहा है अभी ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग खाली सिंपल सा समझने ट्राई किए कि हम लोग क्लिक इवेंट कर रहे हैं, कब कैसे कॉल हो रहा है, उसी चक्कर में छोटा सा गेम बन गया यहाँ पे। तो अभी थोड़ा टफ भी जाएगा, लेकिन थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो आपके लिए फिर इजी रहेगा फिर यहाँ पे ठीक है।